हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हम यहां पर बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा दो टाइप का होता है सर, एक हमारा लोकलाइज और दूसरा हमारा डीलोकलाइज। अब ये दोनों बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, क्या मतलब है, इन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। उससे पहले भाई आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? भाई आपको पता होगा अगर आप कंटिन्यू चैनल पे हैं तो, भाई क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यही तो है भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो भाई इस यूनिट को मिस ना करें, क्योंकि इसके अंदर आने वाले सारे के सारे टॉपिक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल बेस है, बहुत ही फंडामेंटल बेस है, हमको इसको जानना ही चाहिए। तो भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले मतलब 7 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल, बॉन्ड पैरामीटर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या पढ़ा था सर हमने, ये पढ़ा बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक है, आज का काम क्या भाई, आज का काम है हमारा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को पढ़ना है। चलिए सारे टॉपिक्स हम करेंगे वन बाय वन, बस आप देखते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें। मैंने आपको भाई पहले भी बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है वो मोस्टली कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर जो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करेंगे वो भी हमारे कौन से है, कोवेलेंट बॉन्ड। और आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। भाई आपको सबको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो किससे बनता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, तो वहां से बनता हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बहुत बार किया होगा, H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है ये मेरा, दूसरा हाइड्रोजन है ये मेरा, हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। होगा क्या भैया, ये हाइड्रोजन चाहेगा इसकी लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए, ये हाइड्रोजन चाहेगा इसकी लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए। तो यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है भाई, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। भाई ये पढ़ा है ना, ये आसानी से तुमने पढ़ा होगा। इसी तरह से अगर हम Cl2 की बात करते हैं, भाई तो Cl2 में क्या कहा था भाई, हमारे पास दो Cl है, एक Cl ये रहा और दूसरा Cl ये रहा। Cl में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 7 होते हैं, 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है भाई। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की बैलेंस सेल सॉरी लास्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, इसलिए इसको 2 कंप्लीट करने होते हैं। इसके अलावा जितने भी उनको सबको कितने कंप्लीट करने होंगे, 8, तो भाई इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, हमारा सिंगल बॉन्ड आ जाता है। फिर इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे इनको कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा सर ये कोवेलेंट बॉन्ड ना ये दो टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे सर लोकलाइज और डीलोकलाइज में क्या अंतर होता है, इसका क्या मतलब होता है, इनके नाम से पता चल रहा है सर। लोकलाइज्ड बोले तो लोकेशन, अगर किसी भी बॉन्ड की लोकेशन फिक्स है कि वो वहीं रहेगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जिसकी लोकेशन ही फिक्स नहीं है, वो इधर उधर भागता हुआ घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। बहुत ही आराम से प्यार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होगा और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होगा। भाई एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया H2, क्या लिया मैंने H2, मेरे पास ये हाइड्रोजन है ठीक है, मेरे पास ये दूसरा हाइड्रोजन है ठीक है, इनके बीच का ये वाला बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड कहीं जाएगा, हम कहेंगे सर कहीं नहीं जाएगा, ये जहां है वहीं का वहीं रहेगा। इसी तरह से मैं कोई और मॉलिक्यूल ले लेता हूं, मेरे पास में मान लीजिए CH4 है, मेरे पास में क्या है CH4 है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे सर, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, दूसरा मैंने यहां लगा दिया, तीसरा मैंने यहां लगा दिया, चौथा मैंने यहां लगा दिया, क्या सर ये इलेक्ट्रॉन या फिर ये बॉन्ड कहीं जाएंगे। भाई ये वाला बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में,
यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और कोई देख लो भाई, मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या भाई, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, हमारे पास एक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। क्या ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के बीच में आएगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में ही रहना है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन लगे भाई, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इससे कितने हाइड्रोजन लगे भाई, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो ये बॉन्ड यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। इनकी लोकेशन फिक्स है, इनकी लोकेशन फिक्स है। और अगर मैं बात करूं किसी भी बॉन्ड को, आप देख लो ये दो एटम्स के बीच में आपके फिक्स रहेंगे, ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन 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 कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो एक जगह फिक्स ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने अगर आपको बोला जाए बेंजीन, आपको क्या बोला जाता भाई, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं लाइक दिस, ये मेरा है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, आप कहोगे सर ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। क्या दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? आप अगर गौर से देखोगे तो दोनों के बॉन्ड्स में कोई ना कोई फर्क है, बॉन्ड अपनी जगह स्थिर नहीं है। अगर ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, तो मेरे को ये मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? ये वाला बॉन्ड उठ के यहां आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये हमारा ये बन जाएगा। इसी तरह से इसका बॉन्ड ये जहां, ये जहां, ये जहां, तो वापस से ये बन जाएगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। मतलब इनमें जो बीच में बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो एक जगह फिक्स ना होकर वो सारे के सारे एटम्स पर क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी लोकेशन हो गई है भंग, मतलब उनकी लोकेशन फिक्स नहीं है, उन्हें हम कहेंगे डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे पास में दो काम है, पहला काम सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। दूसरा काम ये कि सर ये एक जगह फिक्स क्यों नहीं है, एक जगह फिक्स क्यों नहीं, क्यों घूम रहे हैं बार बार सभी एटम्स, ठीक है ना। तो दो काम है भाई, दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए पहला हम बात करते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की, कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हमारे क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की, तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट, या फिर कर सकते हैं फाउंड बिटवीन टू एटम्स ओनली, केवल दो ही एटम के बीच में पाया जाएगा। भाई जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है, क्या वो दो एटम से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। हम कहेंगे सर लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स के बीच में ही पाया जाएगा। दूसरी बात आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई, कैसे बोल सकते हो भाई, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या था, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या था भाई, ये जो बॉन्ड बनना है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनना है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनना है ना, ये भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनना है। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वी कैन से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड भाई, जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी, वो केवल और केवल दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करेगी। वी कैन से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स ओनली। भाई ये केवल दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इस टाइप के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। आपको लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लोकलाइज मतलब लोकेशन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं नहीं जाएंगे, दो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दो एटम्स के बीच में रहेगी। इन बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब आपको जितने भी यहां पर बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दे आर लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। बात यहां पर आई सर,
डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होंगे। डीलोकलाइज्ड का हम पहले ही मतलब समझ चुके हैं भाई, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन्हीं दो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट ना करें, वो दो से ज्यादा मे बी तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सभी एटम्स पर क्या करता है, घूमता रहता है, आपका डीलोकलाइज होता रहता है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। तो वी कैन से डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड रेजोनेट अक्रॉस द सेवरल एटम्स। मतलब क्या है इसका, मतलब सर ऐसा, मतलब इसका ये है कि बहुत सारे सेवरल का मतलब बहुत सारे एटम्स पर क्या करता है, वो रेजोनेट करता रहता है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट अक्रॉस सेवरल एटम। वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एटम पर ना रहकर दो से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, वहां पर आपका डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहां पाया जाता है, अगर हम बात करें डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहां पाया जाता है, तो भाई डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड वहां मिलेंगे जहां पर आपकी क्या मिलती है, रेजोनेंस मिलती है। क्या मिलता है यहां पर, रेजोनेंस मिलेगा। वहां पर आपके डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड मिलेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। और एक और चीज याद रखना, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड मोस्टली पाई बॉन्ड्स आपके मिलेंगे। कौन से मिलेंगे भाई, पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो आपके डीलोकलाइज नहीं होते, वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, आपके लोकलाइज केमिकल बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही ऐसी कंडीशन है यहां पर डीलोकलाइजेशन का काम करता है, वो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा एक लास्ट काम ये है कि भाई अगर मान लीजिए कहीं रेजोनेंस है तो वहां पर हमारा ये डीलोकलाइजेशन होता क्यों है, ये डीलोकलाइजेशन होता क्यों, तो समझ लीजिए भाई। एग्जाम्पल हमारे पास ये वेस्ट है जिसका नाम है बेंजीन। भाई बेंजीन का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर क्या होता है सर, ये होता है एक रिंग बना देंगे, हर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। पर हम पहले ही सीख चुके हैं जहां डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, sp2। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक काम करते हैं, हम यहां पर हर एक कार्बन की, भाई कार्बन में कितने कार्बन है, सॉरी बेंजीन में कितने कार्बन, भाई छह कार्बन है ना, हम इनके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बेंजीन का एक कार्बन आ गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब इसके पास में ट्राइगन बनेगा, एक दो तीन ट्राइगन प्लेनर होगा, ठीक है। दूसरा कार्बन इसके पास में ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। इधर एक तीसरा कार्बन, इसके पास भी मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, ठीक है। फिर एक कार्बन, इसके पास भी मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, ठीक है सर। इसके बाद ये कार्बन है, इसके पास भी मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, एक ये कार्बन है इसके पास। तो आई होप आपको इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मेरे पास छह कार्बन है और छहों की शेप मैंने क्या कर दी, ट्राइगोनल प्लेनर, जिनमें से भाई हर कार्बन के पास sp2 है ना, sp2 का मतलब क्या भाई, तीन यहां पर क्या है, आपका स्टेरिक नंबर है, एक s और दो p आपको मिल रही है। एक p अभी भी कैसी है, एक p अभी भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक p अभी भी कैसी है भाई, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक p अपने पास अभी भी कैसे, अनहाइब्रिड, तीन हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। उन तीन में से प्रत्येक कार्बन जो है वो दो बॉन्ड
दो बॉन्ड अपने खुद से कार्बन से बना रहा है, बाकी बचा हुआ एक बॉन्ड वो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। बचा हुआ एक बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। अयोग इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बची हुई अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, उसको हम यहां लिख देते हैं, इसकी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ये होगी, इसकी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ये होगी, इसकी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ये होगी। सबकी मैंने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल को यहां पर बना लिया है, सबकी मैंने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल को यहां पर बना लिया। और हर एक पी ऑर्बिटल में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, 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 यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझ लेना भाई, अब ध्यान से समझ लेना भाई, इस कंडीशन में अगर मैं यहां से आपको बताना चाहूं, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके हम। अभी देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं, ये जो हमारा बना है, यहां पर दो टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है तुम्हारी। कितने टाइप की हो सकती है भाई, दो टाइप की। और वो दो टाइप की कैसे होगी सुनिए, दो टाइप की कैसे, ओवरलैप करना है ना, साइडवाइज ओवरलैप। ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो सर बनेगा क्या, हम इस तरह से रिंग बना लेते हैं, बना ली, यहां पर हाइड्रोजन लगे हो, इन दोनों ने अगर ओवरलैपिंग किया तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मान लीजिए ओवरलैप हो रहा है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में यहां, तो डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, अपन का डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग हो रही है मान लीजिए इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच, तो डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहां। क्या बन गया भाई, बेंजीन बना, नहीं बना, लेकिन जरूरी थोड़ी है सब, जरूरी थोड़ी है, क्या जरूरी है, कि जरूरी थोड़ी है ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग तो इन दोनों के बीच में हो सकती है ना। अगर ओवरलैपिंग यहां हुई, अगर यहां हुई ओवरलैपिंग, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, तो फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां पर आ जाएगा डबल। इसी तरह से ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच हो गई, तो ओवरलैपिंग यहां होने की वजह से क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। अगर ओवरलैपिंग हमारी कहां हो रही भाई, यहां ओवरलैपिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड हमारा कहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा यहां। और ये दोनों को, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने कहा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, तो इसी तरह से क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो आपके क्या करते हैं, घूमते रहेंगे लेकिन एक जगह फिक्स नहीं होते भाई। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के बीच में थी, लेकिन इस वाले में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के बीच है। मतलब क्या दो कार्बन के बीच में लोकलाइज हुई, हम कहेंगे नहीं हुई, नहीं हुई तो हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ। जो भी अपना टॉपिक है देख लेना, उसके अनुसार मिलते हैं। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, आपको बस एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है जितना हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।